Assalamualaikum everyone, this is Khurram, welcome back to my channel. तो गाइस आपको टाइटल से और थंबनेल से आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस हवाले से है. वैसे मैं आपको बता देता हूँ, टाइनी यूट्यूबर्स जो हैं उनका आज मीटअप है और उस मीटअप में कौन कौन होगा मैं थोड़ा थोड़ा सा अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ. अगर किसी ने मेरी जराशा वाली राइड देखी तो उसमें पता होगा कि तैमूर भाई का मैंने ज़िक्र किया था, तो उसमें मैं मिलवा नहीं सका था तैमूर भाई से क्योंकि मैं लास्ट में निकल गया था और मैंने वहाँ पर लंच नहीं किया था, इस वजह से तैमूर भाई से मैं मुलाकात नहीं करवा सका था. तो अगर वो वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो मैं यहाँ पर कॉर्नर पे मेंशन कर देता हूँ, आप वो वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा. बहुत बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड था उसमें और कमाल का मतलब एक्सपीरियंस था वो मेरा. अदील भाई होंगे, साथ ही अली इमरान होगा, साथ ही रोलिंग पिस्टन में अबरार होगा और उमैर भाई हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, 7-8-9 यूट्यूबर्स के करीब हैं हम लोग और हमारा एक छोटा सा मीटअप जो है वो है. तो मीटअप की लोकेशन जो है वो बेसिकली मिलीनियम मॉल है. मिलीनियम मॉल अगर जो कराची में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ. तो मिलीनियम मॉल के सामने ही कहीं पे हम लोग बैठेंगे और जब चार दोस्त साथ बैठते हैं तो आपको पता है फिर क्या होता है. तो चाय इज़ लाइफ. अगर किसी ने चाय की वीडियो नहीं देखी मेरे चैनल पे तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा. आप लोग बोलेंगे क्या मैं अपनी वीडियोस को बार बार प्रमोट कर रहा हूँ, यार इतना तो बनता है. मतलब अब देखो ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, तो अब मैं अगर प्रमोट नहीं करूँगा तो कौन प्रमोट करेगा. तो इसलिए भाई अगर किसी ने चाय वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी मैं यहाँ पर जो है मेंशन कर दूँगा, वो भी जाके देखिए. तो जब चार दोस्त साथ होते हैं तो फिर चाय तो इम्पॉर्टेंट है ना, फिर चाय वाय पियेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे, आपको मिलवाएंगे उनसे, उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनसे पूछेंगे, अपना एक्सपीरियंस उनको बताएंगे, कुछ सीखेंगे कुछ सिखाएंगे. तो आज के मीटअप का रीज़न क्या है और क्या पर्पज़ है आज के मीटअप का, वो यही है कि एक दूसरे से सीखना सिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है. हम लोग अभी बहुत छोटे यूट्यूबर्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखना अभी बाकी हैं. तो इसी तरह से होता है कि कोई आपको सिखाए, कुछ आप किसी को सिखाओ, तो गाड़ी चलती रहती है. बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा. टाइम जो था हमारे मीटअप का वो 9 बजे का टाइम था और जब मैं घर से निकल रहा था तो 9:10 बाकी थे. तो मेरे हिसाब से मुझे 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम वहाँ तक पहुँचने में, तो इंशाल्लाह मैं तो ऑन टाइम आ जाऊँगा. बाकियों का देखते हैं कि कौन कितना लेट है, तो ये भी पता चल जाएगा. अली ने कहा था, अली इमरान ने, कि वो 9:30 तक आ जाएगा. तो अली इमरान को हटा के बाकी लोगों का देखते हैं कि वो कितने बजे पहुंचते हैं और जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बात करने को मिलेगी. तो गाइस अभी तो मैं शारह फैसल पे हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे ये वाली जो रोड है, ये वाली रोड बेसिकली जाती है कारसाज और देन नेशनल स्टेडियम. हम इसे अगले वाली जो रोड है उसे ड्रिग रोड कहते हैं. तो हम ड्रिग रोड से जाएंगे और ड्रिग रोड से जाते हुए फिर हमारे बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे ही जो है मिलीनियम मॉल आपको नज़र आ जाएगा. तो उसी के आसपास जो है हम लोग बैठेंगे और गपशप करेंगे, चाय वाय पियेंगे. मेरे ख्याल से मैं चैनल पे जो ट्रैवल लॉग्स डाल रहा हूँ और बड़ी बड़ी राइड्स डाल रहा हूँ, पता नहीं आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं उसको कि नहीं कर रहे. अगर नहीं कर रहे तो बिला झिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो फिर हम उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आएंगे, थोड़ा सा उसको और स्पाइसी करेंगे अपने कंटेंट को ताकि आपको अच्छा लग सके. तो उस हवाले से फिर ये होगा कि मैं शॉर्ट राइड्स प्लान करूँगा जो कि विद इन सिटी में हो. यहाँ से घूमना है आगे से भाई, यहाँ से ही ले लो. वैसे तो आगे से भी है लेकिन हम यहीं से ले लेते हैं ताकि ये लें भाई. हम अंदर आ गए हैं और कौन सा होटल कहा गया था, पठान का होटल कहा था अली इमरान ने. अली भाई यहाँ पे तो बहुत सारे होटल हैं यार, कौन से वाले पे बैठना था, ऐसे कैसे पता चलेगा. देखते हैं. तो गाइस सीन कुछ इस तरह का है कि मुझसे पहले तैमूर भाई और अदील भाई आ चुके हैं, अबरार भी अभी आया है. अबरार से भी मेरी अभी मुलाकात हुई है, अबरार भी पहुंच गया है, लेकिन हमसे पहले जो है तैमूर भाई और अदील भाई जो है वो आए हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग ही लेट हैं.
टाइम अभी अच्छा 9:15 हो रहे हैं, तो हमें 15 मिनट लग गए हैं वैसे पहुंचने में। कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। 2 hours later. ऑलराइट गाइस, तो मीटअप जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब निकल चुके हैं। मेरे साथ अदील भाई हैं, अदील भाई और मैं, हम एक ही साइड पे रहते हैं, तो हम दोनों निकल चुके हैं और हम दोनों साथ जा रहे हैं। रिमेनिंग अभी जो था, तैमूर भाई बैठे हुए थे, अली इमरान बैठा हुआ था और हसन, ये लोग अभी बैठे हुए थे। उमैर और अबरार वो दोनों भी जा चुके हैं। मीटअप अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट मीटअप था और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के मीटअप्स और होते रहने चाहिए। इससे ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है एक दूसरे से और पता चल जाता है कि यार आप कहाँ गलत हो, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी चाहिए। मतलब जिस चीज़ की नॉलेज मुझे है वो किसी और को नहीं होगी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करूँगा। अगर मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, किसी और के पास है, तो आपको सीखने को मिल रहा होता है। तो इस मीटअप का एक पर्पज़ यही था कि हम एक दूसरे से सीखें, जो चीज़ें हमें पता नहीं हैं वो हमें पता चलें, या जो चीज़ें हमारे थ्रू किसी को पता चल सकती हैं, हमसे कोई अगर नॉलेज ले रहा है तो हमें अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहिए। तो इस मीटअप का एक पर्पज़ ये था। हम जितने भी छोटे मोटे यूट्यूबर्स मिले हैं, तो मैं इन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके विज़िट करिएगा। और अगर आप लोगों को काम पसंद आता है लोगों का, तो डेफ़िनेटली आप लोग इनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी एक छोटी सी यूट्यूब की ये कम्यूनिटी है, इस अभी छोटी सी है, होप सो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको और बड़ा करेंगे और इसी तरह से ग्रोथ होगी एक दूसरे को सपोर्ट करने से। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करके इसी तरह से आगे निकलेंगे। अभी मैं कारसाज वाले रोड पर हूँ और रूट हमारा कुछ इसी तरह से है कि यहाँ से शारे फैसल और शारे फैसल से फिर बलोच कॉलोनी और देन घर। तो गाइस, ये आज का सीन था, अच्छा टाइम स्पेंड हो गया सबके साथ, अच्छा लगा सबके साथ मिलकर। थैंक यू एवरीबॉडी जो जो आए और अपने कीमती वक्त से जिन्होंने टाइम निकाला है। सो अदील जो है निकल गए हैं और मैं बलोच कॉलोनी से निकलूँगा। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फ़ौरन साइनिंग आउट, अल्लाह नेगेबान।